हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपको रामपुर। इस रामपुर में मोहम्मद आजम खान साहब ने यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी तामीर की है, यानी कि बनाई है। और उस यूनिवर्सिटी तक आज हम आपको लेकर चलेंगे और यूनिवर्सिटी को दिखाएंगे और आप उसका आनंद लें। यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी, जो एक अपने आप में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो कि यहाँ से समथिंग 1 किलोमीटर आगे इधर की साइड में यूनिवर्सिटी पड़ती है। हम खड़े हैं बाजपुर से आकर के और रामपुर से समथिंग 1 किलोमीटर पीछे। सामने एक गांव पड़ता है जिसका नाम है काशीपुर। काशीपुर गांव के ठीक सामने जौहर यूनिवर्सिटी का ये रोड जा रहा है और इसी रोड पे रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी मौजूद है और हम आपको लेकर चलेंगे जौहर यूनिवर्सिटी। चलिए भाई। तो दोस्तों, अब हम चल दिए हैं जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ। चलते जा रहे हैं, सामने हमें गेट दिखाई दे रहा है, देखिए वो सामने देखिए। और यहाँ पर बिल्डिंग तक पहुंच चुके हैं, जो गेट से पहले बिल्डिंग है। और हम बढ़ रहे हैं गेट की तरफ और देखते हैं कि गेट पे एंट्री हमें किस तरीके से मिलती है, क्योंकि यहाँ हर किसी को अंदर जाने नहीं देते। तो अब देखते हैं, हम कोशिश करते हैं, बढ़ रहे हैं हम गेट की तरफ और देखते हैं हमें परमिशन किस तरह से मिलती है। और बहुत हमने इनसे बातचीत की है और बहुत खुशी की बात है दोस्तों, हमें परमिशन मिल चुकी है और हम अंदर एंट्री कर चुके हैं जौहर यूनिवर्सिटी की। और दोस्तों देखिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम भी बहुत कोशिशों के बावजूद यहाँ तक पहुँचे हैं। आप लोगों की सेवा कर रहे हैं अपने चैनल अनोखे मंजर द्वारा, और ऐसे ही आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा तो इतनी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। और हम देखिए, हम चल रहे हैं जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर और इतने बड़े क्षेत्र में जौहर यूनिवर्सिटी है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हम पैदल तो घूम ही नहीं सकते। और देखिए, हम चल रहे हैं इस समय और एक एक बिल्डिंग आपको बड़ी करीब के साथ और बड़े इत्मीनान के साथ आपको दिखाएंगे। ये देखिए, लाइब्रेरी की बिल्डिंग है जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें हमारे स्टूडेंट लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं आकर के। और देखिए दोस्तों, कितनी शानदार बिल्डिंग है। हमारे माननीय आजम खान जी ने बहुत ही कोशिशों से ये यूनिवर्सिटी बनवाई है और बहुत प्यार से हम भारतवासियों की सेवा के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत दिख रहा है यहाँ। और ये इस लाइब्रेरी की बिल्डिंग का गेट है। और अब हम बढ़ते हैं आगे, चलते हैं, देखें अगली बिल्डिंग क्या है। हर बिल्डिंग के बारे में पता लगाना बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि यहाँ कोई है भी नहीं आसपास में, क्योंकि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, स्टूडेंट भी आते जाते हैं। तो इस बिल्डिंग के सामने एक स्तंभ खड़ा है ये, और इस पे लिखा भी है, देखते हैं जूम करके भी दिखाएंगे आपको, क्योंकि अगर हम देखिए, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में लिखा है और मुलायम सिंह यादव जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये उसे उन्हीं की याद में, उस उद्घाटन की याद में ये बनाया गया है। और मुलायम सिंह यादव जी जब यहाँ पर आए थे दोस्तों, तो मैडम विक्टोरिया की जो पर्सनल सवारी थी वो उनके लिए मंगवाई गई थी। और रामपुर रोड से, यानी कि लालपुर रोड पे, उसी सवारी से, उसी रथ से वो यहाँ तक पहुँचे थे। और बहुत सम्मान के साथ माननीय आजम खान साहब ने मुलायम सिंह यादव जी को यहाँ बुलाया रामपुर में और इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करवाया।
दोस्तों देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बिल्डिंग देखिए आप दोस्तों, पानी की लगता पानी की टंकी है, और मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि इसके अंदर रिहायशें भी बनाई गई हैं। बहुत ही एक टफ काम यहाँ हुआ है, इमारतों में देखने को मिल रहा है कि कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स यहाँ हैं। और दोस्तों ये अभी निर्माण चल रहा है इस बिल्डिंग में देखिए, और ये एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग यहाँ मौजूद है। और दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऐसे ही आप तक हम इस पूरी यूनिवर्सिटी का एक एक हिस्सा पहुँचाएंगे। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि कोई भी बिल्डिंग, कोई भी एरिया, कोई भी क्षेत्र इस यूनिवर्सिटी का नहीं रहे जो आप तक ना पहुँचे। और आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए दोस्तों। देखिए ये एक बिल्डिंग ये है, अब ये हम नहीं कह सकते ये क्या है, क्योंकि अगर हम इस इतना यहाँ पे इंक्वायरी करने लगे तो दोस्तों 2 घंटे की वीडियो भी शायद मतलब नहीं, ऐसा हो कि हम 2 घंटे की वीडियो भी बना करके आपको पेश करेंगे तब भी ये यूनिवर्सिटी की जगह ख़त्म नहीं होगी। और ये क्षेत्र काफ़ी बड़ा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा जल्दी हम ये चाहते हैं कि आप तक पूरी वीडियो पहुंचा भी दें और एक मुख्तसर सा टाइम आपका इसमें लगे, ज़्यादा लंबी वीडियो भी हम बनाने नहीं चाहते दोस्तों। देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पर, ये जो विभाग है ये मेरे ख्याल से, देखते हैं क्या है, हम बढ़ रहे हैं, देखते हैं यहाँ क्या है, ज़रा करीब जाके देखते हैं अभी हम यहाँ पर। हाँ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे LLB डिपार्टमेंट है यहाँ पर, लॉ डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं। और ये देखिए ये तो वही इंसाफ का तराजू है, उसका यहाँ नमूना दिखाया गया है, जो कानून जिसे कहते हैं ये उसी का लोगो है। और ये बिल्डिंग रही, देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, अब आपको समझ गए होंगे ना क्या है ये। चलिए अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, हम आगे बढ़ रहे हैं। वो वेरी गुड, देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई है यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एक थर्माकोल की या गत्ते की कोई बिल्डिंग का नमूना बना करके यहाँ पर रखा है, जैसे मॉडल बनते हैं ना, रियल में बिल्डिंग्स ऐसी लग रही हैं जैसे कोई मॉडल बना के यहाँ पर रख दिया हो। लेकिन दोस्तों हम यहाँ बहुत करीब हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ पर स्टाफ है उन लोगों की बिल्डिंग है, उनकी रिहाइश की बिल्डिंग थी ये। चलिए फिलहाल अब ये दिखाते हैं आपको, ये मोहम्मद आजम खान साहब ने यहाँ एक पूरी यूनिवर्सिटी के लिए सबसे बड़ी मस्जिद का यहाँ मस्जिद तामीर की है। और इस मस्जिद के चारों ओर काफ़ी झाड़ झक्कूड़ है क्योंकि इसका काम अभी अधूरा है। और मोहम्मद आजम खान साहब इस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, ये इस यूनिवर्सिटी के अंदर आके हमें लगा कि वाकई उनकी वजह से ही इस यूनिवर्सिटी की कई जगह काफ़ी मतलब जर्जर दिखाई दे रही हैं और वीरानगी भी है जगह जगह थोड़ा, लेकिन कितनी विशालकाय बिल्डिंग्स यहाँ पर हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और हम इधर देखते हैं यहाँ क्या है, इधर चलकर देखते हैं और आपको भी ले चलते हैं, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए दोस्तों। और हम करीब पहुँच चुके हैं, ये भी मेरे ख्याल से स्टाफ के लिए रिहाइशें हैं। तो आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से, कितने खूबसूरत शानदार नक्शे यहाँ पर मौजूद हैं बिल्डिंगों के। और देखिए बहुत खूबसूरत मंजर है दोस्तों, देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है यहाँ पे। और देखिए दोस्तों एक चीज़ और, हमने जो अपने चैनल अनोखे मंजर के द्वारा
आप तक पहुंचने की कोशिश की है, उसका हमारा मकसद यही है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी अच्छे अच्छे मंजर हैं हम आप तक पहुंचा सकें अपने अनोखे मंजर के चैनल के जरिए। और दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। ये देखिए मोहम्मद आजम खान साहब के नाम से ये म्यूजियम बनाया गया है यहाँ, और इस म्यूजियम का नाम मोहम्मद आजम खान म्यूजियम है। और यहाँ पर हम आ चुके हैं और इस म्यूजियम में बहुत हमारे हिंदुस्तान के और हमारी दुनिया के बहुत क्रांतिकारी और बहुत ही देखिए धार्मिक और सभी के फोटो यहाँ पर मौजूद हैं, समाज सेवियों के हमारे यहाँ सबके फोटो मौजूद हैं, जिसमें मदर टेरेसा, वीर अब्दुल हमीद साहब और गुरु नानक देव जी, और मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा। देखिए देखिए दोस्तों, और ये हम आगे चले हैं। ये प्लेग्राउंड है जो सामने आप देख रहे हैं, ये प्लेग्राउंड दिखा रहे हैं हम आपको। सामने देखिए हम यहाँ पर खड़े हैं। ये देखिए बहुत एक अजीब सी बिल्डिंग हमें ये दिखाई दे रही है, हमें ये पता नहीं क्या है। फिलहाल हम वहां तक पहुंच भी नहीं पाए, दूर काफी है, इसलिए जूम करके आपको यहीं से ही दिखाने की कोशिश की हमने। और हम प्लेग्राउंड से आगे बढ़ चुके हैं और चलते जा रहे हैं। आप खुद देखिए दोस्तों, दूर तक कितनी दूर दूर तक हमें बहुत छोटी छोटी बिल्डिंग्स इस यूनिवर्सिटी की दिखाई दे रही है। यूनिवर्सिटी के अंदर मकसद हमारा यह है कि एक एक हिस्सा हम आपको दिखाएं, और कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ गार्डन, बगीचे और हरा भरा सब बनाया गया है। देखिए दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं आगे। इस यूनिवर्सिटी में दोस्तों एक बहुत खास चीज हम दिखाने जा रहे हैं आपको, और वो उसका खुलासा मैं अभी नहीं करूंगा। मैं सोच रहा हूं जब हम वहां पहुंच जाएं तभी आपके सामने वो चीज आए। फिलहाल आप अभी इस पार्क का आनंद लें और हम बढ़ते हैं इधर इस साइड में। देखते हैं देखिए कितना अच्छा रास्ता है, कितना अच्छा दोनों ओर फुलवारियां और पेड़ पौधे, और कितना अच्छा यहाँ बनाया गया है खूबसूरती सुंदरता। और हम बढ़ रहे हैं इधर, देखिए बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और हम इधर चलते हैं दोस्तों, इधर मुड़ते हैं, देखते हैं किधर क्या, वाह क्या बात है यहाँ तो, हमें क्या है यहाँ, देखते हैं। दोस्तों स्टाफ क्लब पे हम पहुंच चुके हैं। वेरी गुड, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर है। हेलो गाइस, आज हम खड़े हैं जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में। तो मैं ये खड़े हैं एक यहाँ पे विद्यार्थी। हेलो सर, कैसे हैं आप? तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौफीक है। अच्छा तौफीक भाई, आप यहाँ क्या पढ़ते हैं? जी मैं स्टडी करता हूँ बी फार्म थर्ड ईयर, मेरा फाइनल हो चुका है, फाइनल ईयर स्टार्ट हो चुका है इसमें। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे थोड़ा इस यूनिवर्सिटी के बारे में ये बताएंगे क्या? ये तो हमें मालूम है कि इसे माननीय आजम खान साहब ने इसे बनाया है, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत दिल से उन्होंने अपनी जो है पूरा दिलो जान से इस यूनिवर्सिटी को बनाया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, जरा बताएंगे? सर यहाँ पे अगर फैसिलिटीज़ देखा जाए एजुकेशन के तौर पे तो काफ़ी अच्छी एजुकेशन भी मिलती है, और ब्यूटीफुल अगर देखा जाए, देखने में काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये। अगर जैसे कि देख रहे हैं आप ही स्टाफ क्लब है ये, और फार्मेसी की फैकल्टी भी आ गई इधर, ये हमारा स्टूडेंट के लिए क्लब चालू है, और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा मुझे ये बताइए यहाँ पर जो कोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं यहाँ पे?
सर यहाँ पे जैसे अगर फार्मेसी में बी फार्म, डी फार्म और ओटी के अंदर आ जाए तो ओटी कोर्स भी हमारे नर्सिंग वगैरह भी है, जैसे जीएनएम और बीएससी, एमएससी और बीएससी होनर भी है, काफ़ी कोर्सेज हैं, इस्लामिक भी हैं कोर्स यहाँ पे, इस्लामिक स्टडीज़ भी की जाती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे एलएलबी है क्या, अगर है तो किस तरीके से है, कहाँ से है, क्या है? सर यहाँ पे एलएलबी तो है लेकिन बीएलएलबी भी है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है, फैकल्टी भी है यहाँ पे। हाँ मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बहुत बड़े क्षेत्र में ये यूनिवर्सिटी फैली हुई है, तो आप तो यहाँ पे थोड़ा दोबारा बताएंगे क्या कोर्स कर रहे हैं आप यहाँ पे? सर मैं यहाँ पे बी फार्म कर रहा हूँ। वेरी गुड, हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपको कामयाबी अता फरमाए और माननीय आजम खान जी ने जो इस तरह से ये सब बनाया है और उनको उनके सबसे ज़्यादा खुशी मैंने देखा है, सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ में उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने ये जाहिर की है और उनकी मेहनत इंशाल्लाह रंग भी ला रही है और लाती रहेगी। तो दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही हिम्मत के साथ आप तक ये यूनिवर्सिटी का एक एक हिस्सा पहुंचाया है और पहुंचाएंगे अभी। तो दोस्तों अभी बहुत कुछ बाकी है, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी चीज़ आपकी आप तक पहुंचने से रह ना जाए। देखिए दोस्तों यूनिवर्सिटी के अंदर ऑटो चल रहे हैं, बाइकें चल रही हैं और मैं देख रहा हूँ क्या वाहन ऐसे चल रहे हैं यहाँ पे जैसे किसी बहुत बड़े शहर के अंदर वाहन चलते हैं, इसी तरीके से यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर वाहन चल रहे हैं। देखिए दोस्तों क्या बात है, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितने बड़े क्षेत्र में ये यूनिवर्सिटी माननीय मोहम्मद आजम खान साहब ने बनवाई है। आप देखिए दोस्तों कितनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स, कितने प्यारे प्यारे बगीचे, और दोस्तों एक बहुत वो जो मैं कह रहा था बहुत ख़ास चीज़ हम आपको दिखाएंगे, वो यहाँ पर हम आ चुके हैं। और ये देखिए सामने इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्मी का यहाँ एक टैंक मौजूद है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर उसको म्यूजियम की तरह रख रखा है और इस यूनिवर्सिटी की खूबसूरती आप खुद सोचिए, इस टैंक से कितनी मतलब कहा जाए तो कितनी खूबसूरती बढ़ी होगी और बढ़ रही है, और कितना एक मुकाम इस यूनिवर्सिटी को इस हमारे टैंक से मिल रहा होगा। और दोस्तों देखिए हम इस टैंक को बहुत करीबी से आपको दिखाएंगे, करीब से हम कितना यहाँ झाड़ झक्कूड़ है लेकिन फिर भी यहाँ पर हम पहुँचे हैं ताकि एक एक चीज़ आप तक हम दिखा सकें और पहुँचा सकें। हम बराबर आपके साथ बने हुए हैं और आप भी हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों देखिए ये टैंक हमने आपको दिखाया और ये देखिए दोस्तों इसके बारे में यहाँ पर ये सब पढ़ लीजिएगा आप। और दोस्तों हम चलते हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर हम पहुँच चुके हैं, मतलब जो यहाँ मौजूदा मस्जिद है जिसमें इस वक्त नमाज चालू है, नमाज होती है, और इस वक्त हम उसी मस्जिद के सामने खड़े हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर मस्जिद है। और देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद ये बनाई गई है। दोस्तों एक एक चीज़ हम आप तक पहुँचाएंगे और देखिए यूनिवर्सिटी में हम मौजूद हैं आज। और देखिए दोस्तों एक बिल्डिंग ये है सामने, देखिए हम जूम करके दिखा रहे हैं, हमें ये पता नहीं क्या है लेकिन आप देखिए आनंद लीजिए। और दोस्तों दूसरी एक बहुत ही ख़ास मंज़र, ये यहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने की कारें यहाँ खड़ी कर रखी हैं इस म्यूज़ियम में। देखिए
जो ब्रिटिश राज में कार यहाँ मौजूद हुआ करती थी, वही कारें यहाँ पे मौजूद हैं। और ये देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम चल रहे हैं आगे, और आप आनंद उठाइए दोस्तों। देखिए कितनी विशाल इमारत है और कितना अच्छा लग रहा है, कितनी खूबसूरती, रास्ते में भी बहुत सुंदरता है दोस्तों। इस यूनिवर्सिटी में अगर आपको आना है तो हमारे हिंदुस्तान में ज़िला रामपुर के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी, जो हमारे माननीय आज़म खान साहब ने बनवाई है, और आपको अगर आना है तो आप यहाँ आ करके परमिशन लेकर के आप अंदर आ सकते हैं और इस यूनिवर्सिटी का आनंद उठा सकते हैं लाइव। वरना हमने तो इस तरीके से आपको दिखाई है कि आपके आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे, और घर बैठे आप इस यूनिवर्सिटी का आनंद ले रहे हैं और ले सकते हैं। अब दोस्तों हम देखिए, हम बढ़ रहे हैं शायद गेट की तरफ, और हमने यूनिवर्सिटी पूरी घुमाई आपको। और ये देखिए दोस्तों, ये साइंस डिपार्टमेंट है, देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे हमारे माननीय आज़म खान साहब ने ये बनवाई है और यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये सामने गेट आ चुका है और आपने आनंद लिया है यूनिवर्सिटी का, हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और हम इस गेट से बाहर निकलने जा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमने भी यूनिवर्सिटी देखी और आपको दिखाई। तो दोस्तों आइए, हम निकल चुके हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी के गेट के सामने खड़े हैं और हम निकल चुके हैं जौहर यूनिवर्सिटी से बाहर। अगर हमारा आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और लाइक करें हमारा चैनल अनोखे मंजर। थैंक यू।